तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों पे इंडिकेटर है ताकि पता चले यहाँ आउटपुट भी जा रहा है, इनपुट जा रहा है। तो चलो देखते हैं एसी कितना चल रहा है कि नहीं। यहाँ भी सप्लाई आ गया और आप देखते हैं दूसरा एसी ऑन करके, देखिए एम्पियर पे रखें कितना आ रहा है, देखते हैं सिंगल एसी पे। उसके बाद इस रूम पे भी एसी है तो हमारा जो है कटआउट का फ्यूज थोड़े उड़ जाएगा। तो चलो देखते हैं फेस पे डाली वाले, ये नीचे वाले मिला, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 एम्पियर हो रहा है फ्लोर, रनिंग अर्थिंग यहाँ, न्यूट्रल यहाँ और फेस का यहाँ। तो देखिए 64 एम्पियर कैसे बनाए, स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप, 32 को 64 कैसे बनाए इसको। नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है दोस्तों, और आप देख रहे हो कमलेश इलेक्ट्रिशियन चैनल। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले एसी का पॉइंट कैसा निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिकल पॉइंट निकालना है जो पावर प्लग होता है हमारे एसी के लिए, तो किस तरीके से हम लोग नया करने वाले हैं। तो एक जगह हमारा पुराना वायरिंग था वहाँ पर एसी का कनेक्शन नहीं, तो हम लोग आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से जब एसी इंस्टॉलेशन होता है ना उसके बाद हम लोग को पावर सॉकेट किस तरीके से बनाया जाता है। तो पूरा हम लोग शुरू से लास्ट तक आपको डिटेल बताएंगे किस तरीके से वायरिंग करेंगे और कितने एम्पियर का यूज करेंगे, कितने एमएम का वायर यूज करेंगे, हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाले। और आपको पता ही होगा गर्मी का सीज़न आ गया तो एसी लगना आने के पहले हम लोग को पावर सॉकेट उसके पास चाहिए रहता है। उसके बाद आपको लेके चलते हैं इस रूम पे और किस तरीके से एसी का वायरिंग करने वाले हम आपको इस वीडियो पे पूरा डिटेल बताएंगे। वीडियो पे नहीं आए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम पे एसी लगा हुआ है। एसी का कंपनी का नाम आप देख सकते हो लोएडा, और इन्वर्टर एसी है। किसी कंपनी का हम लोग यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एसी के लिए हम लोग पावर सॉकेट बैठाने वाले हैं, ठीक है। तो एसी के लिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट बैठाने हैं। तो कैसा हम लोग बैठाएंगे, यहाँ पर हम लोग को स्विच बोर्ड देखने को मिल रहा था, नॉर्मल स्विच बोर्ड लगा है यहाँ पर। तो एसी के लिए कहीं भी सेपरेट नहीं है, हम लोग चेक कर लिए। ये बस कूलर के लिए पॉइंट दिया गया 16 एम्पियर का, और इसके अंदर वायर जो है नहीं, हम लोग अभी खोल के चेक कर ही कर लेंगे। और ये नॉर्मल स्विच बोर्ड है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे कि हमारा पुराना घर रहता है वहाँ पर एसी का तो कनेक्शन नहीं दिए रहते हैं, तो इसके लिए हम लोग को नया वायरिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल वायर पे हम लोग जोड़ देंगे ना तो एसी तो चलेगा ज़रूर। फिर कुछ दिन के बाद जैसे कि हमारा एसी रनिंग रहेगा ना तो वायर जो है ख़राब कर देगा, नहीं तो इसका एमसीबी लोग को बार बार ट्रिप करेगा बार बार, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारा एसी का सेपरेट होना चाहिए वायरिंग, नहीं तो हम लोग को अलग से यहाँ पर वायरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग नया वायरिंग करने वाले हैं एसी के लिए। एसी इंस्टॉलेशन हो गया, टेस्टिंग के लिए 1-2 मिनट के लिए यहाँ पर टेस्टिंग कर लिए होंगे सॉकेट से। फिर हम लोग को परमानेंट सॉल्व के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक हम लोग को वायरिंग करना है। तो चलो यहाँ पर प्लानिंग करते हैं किस तरीके से यहाँ पर कहाँ से हमारा वायर जाएगा। ये देखिए, इधर से हमारे को वायर लेके जाना है और एमसी बॉक्स देखते हैं पहले। तो देखिए हॉल तरफ है, हम लोग प्लानिंग के लिए बोला गया है मुकेश को, तो हॉल मार रहा है उधर। तो आपको दिखाते हैं, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जो एमसी बॉक्स, देखिए एमसी बॉक्स इधर है, तो इधर हम लोग को लेके आना है। और मुकेश हॉल कर रहा है, इधर हॉल क्यों कर रहा है आपको बताते हैं, हॉल हुआ कि नहीं और उसको क्लीन कर रहा है, हॉल हो चुका अपना। चलो हम लोग प्लानिंग करके तो यहाँ पर होल कर दिए, उसके बाद हम लोग इसका मेजरमेंट ले लिए, पहले से हम लोग मेजरमेंट लेके सामान मंगवाए हैं सामने वाले पार्टी को। और यहाँ से आप लोग का वायर जो है हम लोग को कितना मीटर लग रहा है आपको बता दे, तो यहाँ से 18 मीटर करीब अपना वायर जा रहा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पास। तो चलो इसका हम लोग मटेरियल आपको दिखाते हैं कौन सा हम लोग क्या क्या लगाने वाले हैं। एक एसी स्विच देखने को मिल रहा होगा एमसीबी, वहीं पर हम लोग एक एमसीबी और लगाने वाले। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मटेरियल मंगवा के रखे हैं, क्या क्या एसी के लिए हम लोग पावर सॉकेट बैठाएंगे तो इसके लिए क्या क्या दरकार है मैं आपको बता देता हूँ। नया नया इनको बोला गया था केसिंग वाला करना है, तो हम लोग मतलब उनको केसिंग पट्टी के लिए पूछे थे हम लोग, केसिंग वाला वायरिंग करना है ऐसा नॉर्मल, तो बोले हमारा एक एसी का कनेक्शन है वैसा ही करना है। देखिए एक एसी ऐसा कनेक्शन हुआ है, तो इसी तरीके से हम लोग को करना है, तो केबल टेप का, ठीक है। तो चलो आपको केबल ही दिखा देते हैं कितने एमएम का केबल हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग केबल कितने एमएम का यूज कर रहे होंगे आप सोच रहे होंगे ना, तो मैं आपको बता दूँ, वो 1.5 टन का एसी है और 1.5 टन के लिए हम लोग 4 एमएम का केबल यूज कर रहे हैं। और केबल तो ओरिजिनल गेज रहता ही नहीं, तो हम लोग 4 एमएम का इसीलिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो 2.5 एमएम में आराम से चल जाता, फिर हम लोग 4 एमएम का यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका ओरिजिनल गेज
नहीं रहता है, ठीक है। सिंगल वायर जो हमारा मल्टी वायर में रहता है ओरिजिनल गेज, इसमें हमारा हल्का सा गेज कम रहता है। तो ये 4 mm का वायर यूज कर रहे हैं, 3 कोर और रनिंग रनिंग अर्थिंग भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसमें रेड और ब्लैक और रनिंग अर्थिंग, और ये 18 मीटर करीब है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 4 मॉड्यूलर का PVC बोर्ड है। उसके बाद हम आपको इसका स्विच दिखाते हैं। ये हमारा स्विच है AC का DP, सामने वाले को इंडिकेटर वाला चाहिए था तो हम लोग DP डालते हैं हेवी, और इसको 32x64 भी बनाएंगे, कैसे आपको बताएंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये सॉकेट है। और एसेसरीज आप देख सकते हो, 3 पिन टॉप और ये काजू क्लिप है 12 mm का, ये हमारा 10 mm का, ठीक है, केबल के हिसाब से ले लेना। और ये POP स्क्रू देखने को मिल रहा होगा 4, और ये कनेक्टर क्यों मंगाए, चलो आपको बताएंगे वीडियो पे, कंटिन्यू बने रहिए। और ये जितना भी AC का सामान है ये सब लगने वाला है स्टोरेज में, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग वायर, हम लोग सबसे पहले यहाँ से हम लोग काजू क्लिप करते हुए लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसा करके, और उधर हम लोग सेटअप। तो हम लोग को 2 जगह करना था होल, दोनों जगह होल हो चुका है, और इसकी कॉर्नर से हम लोग काजू क्लिप लगाते हुए लेके आएंगे। सामने वाला बोल रहा था यहाँ से ऐसा करके ले जाओ, होल मत करना, तो हम लोग अच्छा नहीं दिखेगा बोल के हम लोग फाइनल होल मार के उसको बाहर कर दी। और इससे अपने को 2-2, 3-3 मीटर वायर भी बच जाएगा, ऐसा घूम के जाता तो काफ़ी ख़राब दिखता है ऐसा करके। तो हम सोचे वहाँ 2 होल मारते हैं और लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये वायर को जितना चाहिए उतना हिसाब से अपने को ले लेना, और उसके बाद मुके तो देखिए जैसे जहाँ पर हमारा AC कनेक्शन हो रहा है ना, जिस जगह पे हम लोग कर रहे हैं वो हमारा वायर पहुँच गया, और 100% मेजरमेंट सही था। और आप देख सकते हो इस तरीके से ले के गए, और इधर से हम लोग वेंटिलेशन तरफ से इसको बाहर किए, होल करना मना किए सामने वाला पार्टी। तो उसके बाद देखिए इधर से ऐसा, और ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर गया। ये देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पर आके ये पॉइंट हो जाया, पॉइंट नहीं होगा उसको करना पड़ेगा। तो चलो हम आपको पहले उधर वाला करते हैं, उसके बाद MC बॉक्स के पास आके कैसा कनेक्शन देना है आपको बताते हैं। सामने वाले को पूछ लें कितना हाइट पे देना है, वो बोल रहे अपने को हाइट ज़्यादा दे दो, बच्चे लोग उंगली मत करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हो 5.5 फीट के ऊपर करने के लिए बोले हैं, इतना ऊपर में फिर, क्योंकि वायर जो ये भी छोटा पड़ रहा अपना AC का, तो ये कोई बात नहीं, यहीं पर हम लोग पॉइंट करेंगे इस जगह पर, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको मेजरमेंट ले। तो देखिए दोस्तों हम लोग बीच सेंटर पे ले लेते हैं इसको, और लेवल देख लेते हैं अपना लेवल कैसा है, ठीक है। लेवल हम लोग ड्रिल कर लेते हैं, 4 स्क्रू देने हैं अपने को। चलो यहाँ पर 4 ग्रिप कर देते हैं जिस जगह पे हम लोग होल किए, उसके बाद इसमें हम लोग ग्रिप ज़रूर लगाते हैं। काफ़ी इलेक्ट्रीशियन लोग क्या करते हैं, काजू किला मार के कर देते हैं जिसके पास मशीन नहीं रहता, फिर हम लोग तो पूरा परमानेंट सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि अपने को अच्छे से काम करना है 100%। ये ग्रिप लगा दे, इसके बाद बोर्ड को टाइट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये वायर को यहाँ से हल्का सा छोटा सा होल कर देना है, और ये देखिए होल को मिला लेना है, और उसके बाद 1.5 इंची का POP स्क्रू ले रहे हैं हम लोग, और उसको अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर से। तो हमारे पास ड्रिल है तो ड्रिल से कर लेते हैं, और ये बैटरी वाला आपको ड्रिल जो है काफ़ी जगह हमारा अच्छे से वर्क करता है और काम भी मस्त आता है, नहीं तो इतना मेहनत लगता है हर जगह। आप काफ़ी लोग बोलते भी हैं काफ़ी सस्ता वाला काम करते हैं भैया, मेहनत नहीं करते, तो हमारे पास सुविधा है तो हम लोग क्यों ये करें। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग कमेंट पढ़ के रिप्लाई भी कर लेते हैं। तो देखिए इसका मजबूती देखिए किस तरीके से ये बोर्ड दोबारा नहीं निकलने वाला, तो इस तरीके से हम लोग ग्रिप लगाते हैं। तो चलो यहाँ पर इसको इतना एक्स्ट्रा रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे क्योंकि कभी हम लोग को वायर ज्वाइंट करना पड़ता है, तो इतना ही बड़ा एक्स्ट्रा हुआ ये भी कहीं का काम आ जाएगा। और केबल को इसको छील लेते हैं, मुकेश खाने वाले यहाँ पर। ये 4 मॉड्यूलर का प्लेट है, तो हम लोग सॉकेट इधर रखते हैं, ठीक है। ये 16 एम्पियर का हमारा सॉकेट है, और जब भी आप सॉकेट लेते हो ना तो ये चीना मिट्टी का लिया करो, ताकि हेवी प्लांशन हम लोग का चलेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। और ये DP है, और DP इंडिकेटर वाला है, ये स्विच है, AC स्विच में हम लोग यूज करते हैं ज़्यादा अधिकतर, नहीं तो आपके पास ग्रीन और रेड स्विच भी मिलता है, स्टार्टर स्विच। और ये हमारा 3 पिन टॉप इसके लिए, क्योंकि AC लगता है तो उसमें हमारा
वायर में टॉप नहीं मिलता है, ठीक है, उसको लगाना पड़ता है। तो लेके आए, इसका वायरिंग कैसे करेंगे इसको कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि इस तरीके से करने वाले। लोड पे चल तो देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग वायरिंग कैसे कर रहे हैं, देखिए ये हम लोग इसको पैरेलल कर रहे हैं, ये 32 एम्पियर को 64 एम्पियर हम लोग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे हम आपको वीडियो पे बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर इंडिकेटर का वायर है, तो इंडिकेटर का एक फेज़ वाला जो है एल पॉइंट में हम लोग को सॉकेट पे देना है, ठीक है। स्विच पे भी दे सकते हैं, कहीं भी हम लोग को एल वाले जो स्विच रहेगा ऑन पोजीशन रहेगा तब इंडिकेटर जलना चाहिए, ठीक है। ये हमारा इंडिकेटर का वायर, तो ये न्यूट्रल के साथ ये जुड़ेगा, तो अभी हम लोग इसको अलग रख देते हैं। और ये देखिए यहाँ से हमारा एक फेस वाला वायर आ रहा है स्विच का, और ये इसमें, तो ये स्विच वाला पैरेलल जाएगा, एन पे न्यूट्रल लगेगा, एल पे हमारा रनिंग अर्थिंग होगा और इसमें फेस लगेगा। तो चलो यहाँ पर 3 वायर देखने को मिल रहा होगा, एक रेड और एक ग्रीन और ये हमारा ब्लैक कलर का न्यूट्रल। तो ये फेस वाले वायर ये रेड वाले पे ट्विस्ट कर देना है, ठीक है। 32 को 64 बनाएंगे अपन, और ये देखिए इसको ट्विस्ट करके हम लोग को कहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, ये वाले पे। और ये हमारा फेस वाला कनेक्ट हो गया, फेस वाले को कनेक्ट करके इसको फुल टाइट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर न्यूट्रल ले लेते हैं, न्यूट्रल हमारा इंडिकेटर का वायर, और इसको दोनों को ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, पॉइंट कर देते हैं। उसके बाद एक वायर और बच रहा है अपना, वो कौन सा है आपको बता देते हैं, जो हमारा रनिंग अर्थिंग का है। और जब भी आप हेवी इक्विपमेंट आपका लगता है तो वहाँ पर रनिंग अर्थिंग जरूर दिया करो, नहीं तो आपको पता है रनिंग अर्थिंग नहीं देने से क्या प्रॉब्लम आ जाता है, छोटा मोटा फॉल्ट आने से। रनिंग अर्थिंग यहाँ, न्यूट्रल यहाँ और फेस का यहाँ। तो देखिए 64 एम्पियर कैसे बनाए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, 32 को 64 कैसे बनाए। इसको एक पैरेलल में लिए, इधर कनेक्ट कर दी, इधर पैरेलल लिए, इधर से कनेक्ट कर दी, तो ये बन गया 64। तभी वायर था हमारे पास, केबल टाई नहीं था, टेप लगा दी आज। और ये देखिए इसको अंदर कर लेना और इसको कवर बैठा देना, और एक पूरा डिटेल बताएंगे इस वीडियो पे आज, एसी का पावर सॉकेट ऑन करते था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 स्क्रू बैठा देते हैं पहले। वायर आप सोच रहे होंगे ये केबल क्यों जोड़ दिया, तो क्या हुआ है वहाँ का जो केबल है ना, हम लोग को यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए दिक्कत जा रहा है, नाप के दिखा दूँगे, इसको वहाँ से लेना है सेंटर और इससे नीचे लाना है, तो ये केबल पहुँच नहीं रहा है, तो हम लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो इसका वायरिंग कैसा हुआ चलो आपको दिखा देते हैं, प्लग पे ज्वाइन तो होगा ही होगा। ये देखिए यहाँ पर ग्रीन वाला किस में लगा, ये बड़ा वाले टर्मिनल पे, और रेड वाले यहाँ पर रेड पे लगा, ब्लैक वाले ब्लैक पे। ये यहाँ पर पूरा माइनस प्लस जो है सही देना है, ठीक है, फेस न्यूट्रल जो है सही देना है अपने को, और रनिंग अर्थिंग भी सही करना है। और ये देखिए इस तरीके से ये केबल कंप्लीट हो गया, और इसको हम लोग 3 पिन टॉप बोलते हैं 16। देखिए यहाँ पर वायर हम लोग ट्विस्ट कर दिए, रेड पे रेड, ब्लैक पे ब्लैक, ग्रीन पे ग्रीन, और इसको डिस्टेंस रखना है एक एक इंच का, ताकि शॉर्ट सर्किट मत हो। तो टेप लगा लेते हैं, उसके बाद ये प्लग हम लोग वहाँ पर जगह पे रख देते हैं, इसका वायरिंग हम लोग MCB पे करने जाते हैं अब, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग इसको ज्वाइंट किए और ये कनेक्ट कर दिए, अभी स्विच ऑन नहीं करेंगे और MCB बॉक्स तरफ चलते हैं और वायरिंग करते हैं, उसके बाद AC ऑन करके टेस्टिंग करेंगे। तो चलो MCB बॉक्स के पास आ गए, और आप होते तो कहाँ पर इसका वायरिंग करते हैं, यहाँ पर इतना सारा MCB है, कटआउट है, इधर एक और MCB है, तो हम इसका अलग से पर्सनल MCB बैठा रहे हैं, ठीक है। तो कैसा बैठेंगे चलो, यहीं पर लोग यहीं पर धोखा खा जाते हैं, यहाँ पर हम लोग को किस तरीके से MCB कनेक्शन देना है, ताकि हमारा वायर का कैपेसिटी भी यहाँ पर लोड झेल सके, और नहीं तो ये वायर ख़राब होगा, नहीं तो फ्यूज ख़राब हो जाएगा, दोनों AC एक साथ चले। तो चलो इसका प्लानिंग करते हैं, आपको बताते हैं किस तरीके से करना है। हम लोग AC का स्विच यहीं, MCB यहीं बैठाएंगे, क्योंकि एक हमारे पास जगह है और कनेक्शन भी बनाने। तो चलो ये सब बोर्ड को निकालते हैं और आपको समझाते हैं किस तरीके से यहाँ पर AC का वायरिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को सर्किट मेन चेक कर लेना है, और आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पर वायर जब AC फेसी चलता है तो लोड होता है, तो कितना मेल्ट होता है। तो हम लोग इससे हम लोग को डायरेक्ट कनेक्शन देना रहता है, तो चलो आपको सामने लेके दिखाते हैं। तो समझ रहे हो ना यहाँ पर किस तरीके से ये कनेक्शन मेल्ट हो रहा है। ये तो दूसरे का वायर था, AC का हमारा एक पहले से कनेक्शन है, देख रहे हो, यहाँ पर न्यूट्रल पे गया है, एक फेस पे गया है, और ये डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। तो हम लोग भी यहीं से देखते हैं कितने में उनका वायर है, उसके बाद हम लोग यहाँ कनेक्शन डायरेक्ट ले लेंगे अपन।
कटआउट से ले लेंगे तो भी बेहतर रहेगा, नहीं तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर लूपिंग करके लेके जाएंगे, क्योंकि वायर तो हेवी दिख रहा है अपने को। इधर से हमारा लूपिंग कर देंगे दोनों से, ये वाले फेस ले लेंगे, ये एक्चुअली हमारा फेस तो हमारा गया है 2.5 mm का, देखते हैं कितने mm का है, उस हिसाब से अपने को फेस यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करना है और रनिंग अर्थिंग और ये सब लूपिंग कर देना है। ठीक है, जैसे एक रनिंग अर्थिंग है, रनिंग अर्थिंग को कैसे टेस्ट करेंगे ये देखिए, एक बल्ब होल्डर लिए और रनिंग अर्थिंग को टेस्ट करने वाले हैं, जो पुराने बहुत दिन से पड़ा रहता है उसको टेस्ट भी करना रहता है, तो हम लोग बल्ब होल्डर से देखने वाले हैं कितना आने वाला है हमारा। तो देख रहे हो यहाँ पर बल्ब होल्डर से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, ये चल रहा है, उसके बाद मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर लेंगे रनिंग अर्थिंग सही है कि नहीं, नहीं तो यहाँ पर हम लोग ज्वाइन करेंगे ना, एक एसी का रनिंग अर्थिंग भी जुड़ा नहीं था, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो कहीं प्रॉब्लम मत हो जाए बोल के हम लोग चेक करना ज़रूरी रहता है रनिंग अर्थिंग को, मल्टीमीटर से भी चेक करने वाले हैं। अब इसको मल्टीमीटर ले लिए और इसको वोल्टेज पे सेट किए हैं, ठीक है, और वोल्टेज पे ये फेस और ये नहीं चेक करना है, न्यूट्रल पे और रनिंग अर्थिंग पे लगा के देखेंगे कितना ओम्स आ रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से ये करने वाले हैं। तो ये पहले वोल्टेज चेक कर लेने कि कैसा आ रहा है अपना वोल्टेज। चलो मल्टीमीटर लगा दिए और सीरीज होल्डर के बाद हम लोग जो है बल्ब होल्डर के बाद हम लोग न्यूट्रल पॉइंट में डालते हैं कितना ओम्स बता रहा है। हमारा मल्टीमीटर में एक भी 100 रीडिंग नहीं हो रहा है, आपको दिखाते हैं सामने ला के, देखिए एक न्यूट्रल पे डाले यहाँ पर वोल्टेज जा रहा है 125, ठीक है, तो इसका ओम्स चेक करने वाले हम लोग, इसका रनिंग अर्थिंग सही है कि नहीं, तो यहाँ पर कुछ भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, ठीक है, न्यूट्रल पे डाल रहे हैं, ठीक है, ये कटआउट डायरेक्ट में लेने, घर वाले भी टेस्ट करके देख लें, कुछ भी ओम्स नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर रनिंग अर्थिंग हमारा सक्सेसफुल नहीं होगा, तो हम लोग इसमें रनिंग अर्थिंग नहीं डालेंगे, क्योंकि एसी का पार्ट्स लोग काफ़ी नाजुक रहता है, वो प्रॉब्लम होगा तो पीसीबी ख़राब हो सकता है, तो हम लोग इसलिए टेप लगा दिए, ठीक है, बल्ब होल्डर से जर रहा है फिर लीकेज करंट होगा, तो कहीं से हम लोग मल्टीमीटर से चेक किए, कम से कम 1 से 2 ohms 3 ohms आना चाहिए, नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पर कनेक्शन नहीं देना है रनिंग अर्थिंग का, तो हम लोग रनिंग अर्थिंग को टेप लगा दिए। और बाकी जो है कनेक्शन आप देख सकते हो, यहाँ पर हम लोग एक फेस लेके आ रहे हैं डायरेक्ट कटआउट से MCB में डालेंगे, और एक ब्लैक वाला वायर हम लोग न्यूट्रल पे पॉइंट कर दिए और यहाँ MCB एक बैठाने वाले हैं, और इसका आउटपुट एक MCB पॉइंट ही है, तो दोनों को ये जोड़ने वाले हैं MCB लगा के। तो चलो यहाँ पर MCB हम लोग फिटिंग कर लेते हैं, और ये देखिए 25 ampere का MCB लिया है सी कैटेगरी का, और कहीं से भी इनपुट आउटपुट कर सकते हैं, फिर हम लोग नीचे तरफ इनपुट कर रहे हैं ऊपर तरफ आउटपुट लेंगे, ठीक है, तो इसको सिंपली जो हमारा फेस लेके आए ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा, नीचे वाले पे लगा दिए और आउटपुट वाले को ऊपर वाले पे लगाना है, ठीक है, पहले का AC कनेक्शन था उसी जगह हम लोग कर रहे हैं, फिर वायरिंग हम लोग कुछ अलग कर दी, नया वायर लेके आए, क्योंकि क्योंकि दो AC है यहाँ पर, अब लोड होगा तो अलग वायर चाहिए रहता है, तो ये कर लिए। एक और आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देख रहे हो अल्मोनियम पे कॉपर जॉइंट है ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर इस तरीके से करने से ये दोनों AC चलेगा तो ये जलेगा, इसके लिए हम लोग भी उपाय किए हैं, आपको दिखाते हैं, और इसको पहले दोनों को फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरा बताएंगे डिटेल कैसे ये कनेक्शन हो गया, जितना भी वायर का दरकार है उतना कर लेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम लोग फेस न्यूट्रल ले लिए, और एक देखिए ये जो है न्यूट्रल है, यहाँ पर हम लोग लूपिंग किए हैं ब्लैक वाले, ये न्यूट्रल था और ये फेस था, तो फेस वाले यहाँ से हम लोग पॉइंट ले लिए जो AC का पॉइंट है इधर, और ये सिंगल फेस से हमारा रन होने वाला है, तो दो फेस नहीं, यहाँ सिंगल 1 meter पे 2 AC चलने वाला है, तो देखिए 1 और ये 2 और ये कनेक्शन हो गया, और इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर कनेक्टर लगा रहे हैं, क्योंकि ये कॉपर का वायर है, ठीक है, कॉपर का वायर है अल्मोनियम का वायर, तो क्या होता है आपको तो पता ही है, यहाँ पर जल जाता है, तो उसके लिए हम लोग 63 ampere का कनेक्टर लगाने वाले हैं, तो सभी को हेवी करेंगे तब जाके इस तरीके से अच्छे से कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, और कैसा जलता है आपको दिखाते हैं इसको पीछे, तो ये हम लोग कवर लोग को पैक कर देते हैं, समझ आ गया किस तरीके से वायरिंग की है हम लोग यहाँ का। देखिए दोनों जगह का हमारा बोर्ड फिटिंग भी हो गया, कटआउट हम लोग सेटअप करेंगे, ये देखिए कनेक्टर भी लग गया, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस तो मार्किंग कर दिए थे, ये अपना फेस था इधर वाला, तो ये फेस पे जुड़ा, देखिए इस तरीके से कनेक्टर लगाना, और ये डायरेक्ट लाइन है उसको देख, तो चलो ये कनेक्टर लग गया, उसमें हम लोग टेप लगा दें ताकि किसी को टच मत हो,
और ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारा एक्स्ट्रा काम था, ठीक है। तो एसी का करने आया तो हम लोग सोची ये तो प्रॉब्लम होगा, उससे पहले इसको भी सॉल्व कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम मत आए। दो दो टन का, 1.5 टन का दो एसी चलेगा ना यहाँ पर। तो चलो 1 और 2 है यहाँ पर, तो दोनों एसी को ऑन कर देते हैं और चेक भी करेंगे फ्यूज, क्योंकि फ्यूज़ जो है कटआउट लगा है, नहीं तो ज़्यादा एम्पियर होगा तो ये अपना कटआउट उड़ सकता है। तो ठीक है, पहले टेस्टिंग करते हैं अब। चलो चलो भैया बोल रहे थे मैं स्टार्ट करूँगा, तो चलो करो स्टार्ट करो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों पे इंडिकेटर है ताकि पता चले यहाँ आउटपुट भी जा रहा है इनपुट जा रहा है। तो चलो देखते हैं एसी कितना चल रहा है कि नहीं। यहाँ भी सप्लाई आ गया, और आप सोच रहे हो स्टेबलाइजर क्यों नहीं लगाया, तो ये इन्वर्टर एसी में इनको बोला है स्टेबलाइजर तो देना नहीं, वोल्टेज सफिशेंट है यहाँ पर 220 आ रहा है अपना इनपुट। और एसी ऑन करके देखते हैं कितना है यहाँ पर, 24 पे किए हैं। टेम्परेचर कम करो तो बस, वायरिंग भी कर दी है और ये एसी चल रहा है। तो दोनों एसी एक साथ चालू करके देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम थोड़े आ रहा है, तो इसको ऑन करके रखते हैं। एक एसी को और भी ऑन करेंगे, चलो दूसरे रूम का। आपको एक वोल्टेज एम्पियर मीटर में भी टेस्ट करके देखते हैं, दूसरा एसी ऑन करके। देखिए एम्पियर पे रखें कितना आ रहा है, देखते हैं सिंगल एसी पे। उसके बाद इस रूम पे भी एसी है, तो हमारा जो है कटआउट का फ्यूज थोड़े उड़ जाएगा। तो चलो देखते हैं फेस पे डाली वाले, इस नीचे वाले में डाल, ठीक है। यहाँ पर देखिए 11 एम्पियर हो रहा है फ्लो, ठीक है। और देखते हैं दूसरे दूसरा एसी ऑन करके, ठीक है। तो इस रूम का भी एसी ऐसा ही, तो ये देखिए यहाँ भी इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। और चलो ऑन करके देखते हैं, ये हमारा सैमसंग का है ऐसा लग रहा है, अभी तक पॉलीथीन बाहर निकला है। चलो 5 मिनट हो गया, इस रूम भी ठंडा हो रहा है, और देखते हैं एम्पियर कैसा आ रहा है अपना। तो दिखाते हैं आपको कितना एम्पियर ले रहा है, यहाँ पर देख रहे हो 13 एम्पियर ले रहा है, 8.87 हो रहा है। और दोनों एसी चल रहा है, अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ना एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ, ना कटआउट नहीं प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। उस रूम पे जाके चेक कर दें अभी। यहाँ पर हमारा कुछ भी ट्रिप नहीं हुआ, अच्छे से ठंडा भी कर रहा है रूम पे। और ये 1.5 टन का है, और ये देख रहे हो 15x10 का एक रूम है, और इस रूम पे सफिशेंट है 1.5 टन का। और फाइनली हम लोग का इलेक्ट्रिकल वर्क किए हम लोग, फाइनल सक्सेसफुल रहा, और कुछ भी ट्रिप नहीं हो रहा, ना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ना कटआउट नहीं फ्यूज नहीं हो रहा है। तो फाइनल हम लोग का हो चुका, और भैया से इनका इस काम का 1000 रुपये लेंगे, और यहाँ से छुट्टी अपना। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा था, एसी का पॉइंट आप भी पहले से करवाना है तो इस तरीके से, जब आपके घर पे नहीं है तो इस तरीके से टेक्निक यूज करके आप भी अपने घर पे एसी का कनेक्शन करवा सकते हैं। जो नया नया इलेक्ट्रिशियन भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप भी इलेक्ट्रिकल पॉइंट कर सकते हो। और आप सोच रहे होंगे 2 पॉइंट दे देते हैं, वहाँ सॉकेट है यहाँ स्विच, वो भी करते हैं, वो भी सामने वाले को पूछ के किए हम लोग, वहीं पर एक बोर्ड पर दोनों काम कर दीजिए। तो ये फाइनल हो चुका हमारा एसी का पॉइंट, और ये सर्किट हमारा वर्क कर रहा है अच्छे से। आशा करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी सीखने को मिला होगा। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों एक और नया वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक